हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि फोन पे पे कोई भी बैंक का अकाउंट कैसे ऐड करें और अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करें। इसके लिए आपको सबसे पहले फोन पे ऐप को ओपन करना है और अकाउंट ऐड करने के लिए आपको टू सेल्फ अकाउंट पे जाना है। उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। आपको जो भी बैंक ऐड कर रहे हो उसे या सर्च बार में उस बैंक का नाम लिखे या नीचे रोल करके आप खोल सकते हैं। जैसे हमें पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड कर रहा है तो हम खोल देते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक। याद रखिए कि आप जो भी बैंक ऐड करेंगे बैंक का बैंक नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रोसीड टू कार्ड करना है। उसके बाद आपको रीस्टार्ट पिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट है उसे डाल देना है, उसे ऐड कर लेना है। जैसे हमने डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट ऐड कर दिया, वैलिड अप डाल देना। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है कि आप जो बैंक से नंबर से लिंक है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। उसको इंटर ओटीपी करने के बाद आपको पिन सेट कर लेना है। मैंने पिन सेट कर लिया है। आपका अकाउंट ऐड हो जाती है, आप चेक कर सकते हो। तो सेल्फ अकाउंट पे जाके हाँ पेटीएम पेमेंट ऐड हो गया, दो अकाउंट दो बैंक ऐड कर दिया था, पेटीएम पेमेंट बैंक और स्टेट बैंक। उसके बाद आपको अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए आपको चेक बैलेंस पे जाना, बैंक बैलेंस पे। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक बैलेंस चेक करना, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको ने जो OTP जो पिन सेट किया था 4 डिजिट का उसे ऐड डाल लेना। डालने के बाद पहले आपका बैंक अकाउंट कितना रुपए है वो दिखा दें, फिर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और चेक बैलेंस चेक कर सकते हैं।